हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे बेस्ट 5 तरीके जिनका यूज़ करने से कभी भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, चाहे वो वीडियो हो, किसी प्रकार की वीडियो हो, फिल्म हो या किसी भी तरह की फ़ोटोज़ का यूज़ आप कर रहे हो, चाहे वो वायरल स्क्रिप्ट में कर रहे हो या आप किसी भी पिक्चर्स में यूज़ कर रहे हो या पिक्चर बना करके कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पर। ये 5 तरीकों का उपयोग करने से कभी भी आपकी वीडियो पर, वायरल स्क्रिप्ट पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। पहला जो तरीका है दोस्तों, उसमें सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक इमेज, कोई भी इमेज, जैसे कोई दिवाली इमेजेस हो सकती है, उसको सर्च करेंगे। दिवाली की सभी इमेजेस हमारे सामने आ गई है दोस्तों। अब हम इमेजेस में जाएंगे। सारी इमेजेस हमारे सामने आ गई है। अब हम दोस्तों सर्च करेंगे कि हम फ्री में कितनी इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पास में सेटिंग का बटन है, इसको हम ओके करेंगे। तो दोस्तों, जैसे सेटिंग के बटन पर क्लिक किया है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। हमें तीसरे ऑप्शन पर जाना है, एडवांस सर्च पर जाना है। जैसे हम एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे, हमें स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है नो फिल्टर्ड बाई लाइसेंस, तो इसको क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है, फ्री टू यूज, शेयर और मॉडिफाई इवन कमर्शियली, तो यहाँ पर ओके कर लेना है और एडवांस सर्च पर क्लिक कर देना है। एडवांस सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो भी ये इमेजेस है, ये सारी इमेजेस फ्री है। इनमें से आप कोई भी इमेजेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पर क्लिप आर्ट, लाइन ड्राइंग, GIF, कोई भी कलर में या कलर का ऑप्शन है, साइज का ऑप्शन है, ये आप ले सकते हो दोस्तों। ये वह तरीका दोस्तों, पहला तरीका है। दूसरा जो हमारा तरीका है दोस्तों, वो है क्रॉपिंग का तरीका। हम किसी भी इमेजेस को या वीडियो को भी हम क्रॉप कर दें। क्रॉप करने के बाद जब हम उसका यूज करेंगे तो वो कॉपीराइट में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये पावर पॉइंट है, हम इंसर्ट पर जाएंगे, कोई भी एक इमेज लेंगे। इमेज हमने ले लिया दोस्तों। हो सकता है दोस्तों ये इमेजेस कॉपीराइट हो सकती है। हम इसको कैसे यूज करें, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बटन क्रॉप का है। क्रॉप पर करने के बाद इसको हम क्रॉप कर दें। जहाँ पर अनावश्यक है, जहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लें। क्रॉप करने से अब उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। जो सर्च करने पर या जब आप इसे अपलोड करेंगे तो ये किसी प्रकार के सर्च में नहीं आएगा और ये कॉपीराइट में नहीं आएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे अपन चेंज कर लें, इसको रोटेट कर दें, किसी प्रकार से इसको रोटेट कर लें। रोटेट करने से क्या होगा कि ये पकड़ में नहीं आएगा, कॉपीराइट में नहीं आएगा। इसे आप सेव कर लें और इस प्रकार इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आ गए दोस्तों, हम फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी भी वीडियो को क्रॉप, जूम या उसे रोटेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं कोई एक कोई भी एक वीडियो यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दो ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, क्रॉप पैन एंड जूम। तो सबसे पहले अपन क्रॉप को यूज करेंगे दोस्तों। देखिए क्रॉप, और इसका बीच में सेंटर में जो है, या इस पर सेव कर ले दोस्तों। सेव करने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों है पैन एंड जूम, ये जूम ऑप्शन है दोस्तों। आप क्लिक करेंगे तो जूम आ जाएगा, इसको बड़ा छोटा करने का है। आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके करो दोस्तों। एक बार फिर हम पावर पॉइंट में आ गए दोस्तों, क्योंकि पावर पॉइंट में भी वीडियो को क्रॉप करने का, जूम करने का फीचर्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माई PC। क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमें वीडियो लेनी है, हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो आ चुकी है, ये पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर दोस्तों यहाँ देखिए क्रॉप का एक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे इसको। और जैसे ही क्रॉप का आपने क्लिक किया है ऑप्शन, वैसे ही यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिल गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को भी क्रॉप कर रहा हूँ, और ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे दोस्तों, आप वीडियो क्रॉप हो गई है। वापस वीडियो को क्लिक करें या प्लेबैक में जाएं। प्लेबैक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रिम वीडियो, वॉल्यूम, लो मीडियम हाई। फॉर्मेट के अंदर दोस्तों आपको शेप, रोटेट ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट फ्रेम। इन चीजों का उपयोग करके दोस्तों आप इसको कॉपीराइट से बाहर कर सकते हैं। एक बार फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन के पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में आ गए हम लोग। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पिक्चर लिया है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्रॉप कर ले। तो क्रॉप का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों हम चाहते हैं तो इसको मल्टीपल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। इसे कॉपी और पेस्ट कर ले, तो ये दो हो गए दोस्तों हमारे साथ। जब पिक्चर दो हो जाएगी दोस्तों, या किसी तरह से सेट करें इसको, इस प्रकार से सेट करेगी, एक फूल लगेगा या एक पत्ती बन जाएगा। तो हम इसे रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद देखेंगे दोस्तों, अब एक अच्छा सा फूल बन गया है पत्ती का एक, और इन दोनों को हम ग्रुप कर लेंगे। फूल की तरह दिख रहा है। अब इसे अपन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसे हम अपनी वायरल स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, या और कहीं पे जहां भी आप इसे लगाना चाहते हैं, अपने कार्ड में, या आप नया कार्ड बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड, विशिंग कार्ड, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं।